देख लीजिए ऐसे ऐसे शराबी दारू पीकर इसमें घूमते रहते हैं। आप मरीज लेकर आइए और यहाँ से चार बीमारियाँ और भी घर पर लेके जाइए। यहाँ पर चार बीमारियाँ आपको फ्री में दी जाती हैं इसी हॉस्पिटल में, और ये सरकारी हॉस्पिटल। हमको प्यास लगी है, पानी पीना है पानी का व्यवस्था। भारत की बदलती हुई तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि इस समय में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सैदपुर तहसील के अंतर्गत सैदपुर मार्केट में ही बताया जाता है कि ये हॉस्पिटल है, महिला चिकित्सालय। तो महिला चिकित्सालय में हम आए तो ये गेट है और इस पे कुछ लिखा ही नहीं गया है, और ये गेट की हालत है, ये शायद कभी बंद भी नहीं होता होगा, ये स्थिति है। और ये नालियां देख सकते हैं आप, खुली नालियां भी यहाँ पर दिखेंगी। और ये जर्जर मकान है, आप देख सकते हैं कि ये जर्जर मकान है, इनकी हालात देखिए। ये इसी गेट पर ही आपको ये दिख जाएगा, ये जर्जर मकान आपको, ये कब धराशायी हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये स्थिति है। और ये नालियां देख लीजिए, ये नालियां, खुली नालियां, ये है सैदपुर का महिला चिकित्सालय। अगर कोई महिला यहाँ पर आएगी कोई अपना डिलीवरी के लिए, तो और यहाँ से चार बीमारियां लेकर जाएगी, क्योंकि ये बीमारी का पूरा घर है। और सोच लीजिए ये जो है ये गेट है, और गेट हमको लगता है कभी बंद भी नहीं होता होगा, ये ऐसी स्थिति है गेट की। आइए दिखाते हैं अब अंदर की स्थिति, और ये बताया जाता है, ये देखिए ये जो एम्बुलेंस खड़ी है और ये इनको अभी रोड पे होना चाहिए, ये शाम तक खड़ी रहेंगी, लेकिन शाम तक आपको हो सकता है कि आपको दिख जाए पेपरों में कि ये चलती होंगी दिन भर। और यही मकान की स्थिति है, और ये देख लीजिए पानी टंकी है, ये स्थिति है पानी टंकी की, कि वो ऊपर से उसमें पानी होगा कि नहीं होगा, ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि उसमें पानी है, लेकिन ये देख लीजिए, इधर आइए, इधर दिखाते हैं, ये सब देखिए ऐसे खुला है। और ये मेन हमको लगता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ है लोग बैठे हैं, हो सकता है इसी में काम करती होंगी, डॉक्टर लोग होंगे। और ये स्थिति है, ये कुर्सियों को बाहर कर दिया गया है निकाल के, और वो भी देख लीजिए मकान, वो भी टूटा फूटा ऐसे ही दिख रहा है, ये स्थिति है। अच्छा, यहाँ पानी वानी पीने की व्यवस्था है कुछ? पानी वानी, हमको प्यास लगी है, पानी पीना है पानी का व्यवस्था? नहीं। कौन है आप? हम डॉक्टर संगीता पांडे। अच्छा, आप डॉक्टर साहब हैं, तो ये डॉक्टर साहब का आवास तो यही है, इसी में रहती हैं क्या? मैं अपने घर पर रहती हूँ। अच्छा, मतलब अलग से। देखिए आवास यहाँ पे तो हॉस्पिटल में आवास होना चाहिए ना, ये आवास ही है ना, ये इधर बना हुआ है आवास। हम संविदा कर्मचारी हैं ना, हम लोगों को आवास नहीं अच्छा, मिलता है। अच्छा अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब को होना चाहिए ना, ये आवास है डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब जब आवास ही नहीं तो डॉक्टर साहब होंगे यहाँ पे? नहीं नहीं, ये स्थिति है। अप डाउन करते। ये देख लीजिए ये है, ये जो है मकान है, आप देख सकते हैं वो गिर गया है, वो भी आवास ही है, उसमें डॉक्टर साहब रहेंगे, देख लीजिए डॉक्टर साहब कैसे रहते होंगे इसमें, जब आवास ही नहीं है तो यहाँ पर डॉक्टर होंगे कैसे, ये स्थिति है। और पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कहीं भी हमको नल नहीं दिखाई दिया कि कहीं नल हो। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, और इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पानी कहाँ पीना है, क्या महिला है, महिला हॉस्पिटल है, तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, चलिए मैं इतना ही दिखाता हूँ। और यहाँ पे स्थिति है महिला चिकित्सालय की, सैदपुर का है महिला चिकित्सालय है। और देख लीजिए ये, और अंदर आइए, मैं और भी कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। ये है, ये हॉस्पिटल का मेन गेट पे बना हुआ था, पहले का बना हुआ रहेगा, ये है इसमें डॉक्टर साहब का आवास है, ये डॉक्टर साहब का आवास, लेकिन अभी जो है दारूबाजों का अड्डा बन गया है, ये है दारूबाजों का अड्डा, ये दारूबाजों का अड्डा आपको दिख रहा होगा, इधर दारू पी पी के सीसी फेंका हुआ है, ये है। आप कहाँ के रहने वाले, यहीं पे काम करते हैं क्या? नहीं सर, हम तो यहाँ दुकान है बाहर। अच्छा, बाहर दुकान है? हाँ, रोड पे। अच्छा, ये हॉस्पिटल है? हाँ, महिला हॉस्पिटल है। लगता है हॉस्पिटल है, अरे क्या बताएं सर, ये स्थिति है। बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूँ, और जनपद गाजीपुर का यह सैदपुर है, तहसील है, और सैदपुर तहसील यहीं बगल, यहीं 100 मीटर की दूरी पर तहसील है, उसके बगल में ही ये जो है महिला चिकित्सालय है। हाँ, ये टंकी है, ये देख लीजिए, ऐसी स्थिति है, पानी पीने की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ये ऐसी स्थिति है। यहाँ पर देख लीजिए, ये डॉक्टरों को रहने के लिए आवास बनाया गया है, वो पूरी तरीके से जर्जर है, हो सकता है कोई यहाँ पर आए इलाज के लिए, इधर अगल बगल बैठा हो, ये कब गिर जाए उसमें, दब के दुर्घटना हो जाए, तब जाके प्रशासन जागेगी कि नहीं इसको गिरा देना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति है। और ये नालियाँ जो है ऐसे खुले आपको दिख जाएंगी, और ये जो है
एक रुपया देखना भिड़ावत। तो क्या भिड़ावत, कहाँ से आए हैं आप, क्या है आप, क्या है आप, जैसे आप का ले ले हुआ नहीं कुछ ले ले, क्या हुआ आप यहाँ, जैसे कुछ है यहाँ पे, नहीं शराबी घूमते रहते हैं। अच्छा देख लीजिए, ऐसे ऐसे शराबी दारू पीकर इसमें घूमते रहते हैं। कितना नोट आप कमाती हो? अरे क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? अरे काम करने खातिर। क्या काम करेला? झाड़ू लगाएला, ड्यूटी करेला। अच्छा तो दारू मतलब झाड़ू लगे बाद दारू पियत रह भाई तेरे? अरे बाल यार कि पुल पे रहा। चलिए मैं इनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि बात करने लायक नहीं है ये, इनसे क्या मैं बात करूं, बकवास कर रहे हैं ये। और देख लीजिए मैं इसी महिला चिकित्सालय में हूँ, सैदपुर का ये महिला चिकित्सालय है, देख लीजिए इसकी स्थिति पूरी तरीके से जर्जर है। हालांकि हमको लगता है डॉक्टर साहब नहीं आते होंगे क्योंकि डॉक्टर साहब का यहाँ पे चेंबर कहीं, हमको लगता है कि आवासी नहीं है, तो यहाँ पर डॉक्टर समय से होंगे कि नहीं होंगे पता भी नहीं है हमको। लेकिन ये स्थिति है कि कोई भी आता है यहाँ पर जो है अंदर जो एक जो ये गेट है वो गेट 24 घंटा खुला रहता है और कोई भी कभी भी आता है यहीं पर दारूबाजों का अड्डा है, इधर बगल में यही बैठ के पीते होंगे लोग, इधर ही सीसी फेंका हुआ है सारा कुछ। मैं ये इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इतनी गंद आ रही है वहाँ पर, सोच लीजिए एक हॉस्पिटल के एरिया में इतनी गंदगी कैसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये नालियाँ खुली हैं मतलब कि आप मरीज लेकर आइए और यहाँ से चार बीमारियाँ और भी घर पर लेके जाइए, यहाँ पर चार बीमारियाँ आपको फ्री में दी जाती हैं इसी हॉस्पिटल में और ये सरकारी हॉस्पिटल है। चलिए मैं यहाँ पर था इसी सरकारी हॉस्पिटल में और यहाँ की स्थिति दिखाने का मैं प्रयास कर रहा था यही सैदपुर में। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।